अब समुंदर कपिल शर्मा और उनकी टीम पहुंच चुकी है विदेश और वहां पर वो कर रही है बैक टू बैक परफॉर्म। आपको तो पता ही होगा कपिल शर्मा आजकल यूएसए और कनाडा में परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को जमकर हंसा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक दुख भरी खबर भी आ रही है, एक सैड न्यूज आ रही है जो बताना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि 9 जुलाई को न्यूयॉर्क के एक स्टेडियम में कपिल शर्मा का शो होना था जो पूरी तरीके से डन हो चुका था, टिकटें जो थी वो बिक चुकी थी। लेकिन इसी बीच कपिल शर्मा शो के जो लोकल प्रमोटर हैं सैमसंग, आज सुबह उनका ये पोस्ट आया और इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि डेट्स के इधर उधर होने की वजह से कपिल शर्मा का शो जो 9 जुलाई को होना था वो कैंसिल हो चुका है और अगर आपने टिकटें बुक कर ली थी, आपका जो पैसा लगा था वो हम रिफंड करने के लिए तैयार हैं। अब ये पोस्ट देखने के बाद कपिल शर्मा के जो फैंस हैं विदेश भर में वो नाराज हो गए और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको तो पता है कपिल से सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लोग ढेर सारा प्यार करते हैं और उनका इंतजार करते हैं कि कब वो आएंगे और एक बार मुलाकात हो पाएगी। साथ ही कुछ लोग अब ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि शायद 2015 में कपिल शर्मा और अमित जेटली के साथ जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्या उस वजह से न्यूयॉर्क में 9 जुलाई को जो शो होना था वो कैंसिल तो नहीं हुआ। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कॉन्ट्रोवर्सी क्या है। तो 2015 में कपिल शर्मा न्यूयॉर्क पहुंचे थे जहां पर उन्हें 6 शहरों में कॉन्सर्ट करने थे, लेकिन कुछ वजह की वजह से कपिल शर्मा जो है वो 6 शहरों में कॉन्सर्ट नहीं कर पाए, सिर्फ 5 शहरों में उन्होंने किया और फिर वो वहां से निकल पड़े। लेकिन जब उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया तो SAI USANIC ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। साथ ही जो लोकल प्रमोटर थे अमित जेटली, उन्होंने भी कपिल शर्मा पर FIR दर्ज कर दी, जो केस अब तक न्यूयॉर्क में चलता आ रहा है, इसका कोई समाधान अभी भी नहीं हुआ है। तो उम्मीद करेंगे दोनों के बीच में जो वॉर चल रही है वो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इसका जो लॉस है वो कपिल शर्मा उनकी टीम को हो रहा है और साथ ही उन लोगों को भी हो रहा है जो कपिल शर्मा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिलहाल तो बस इस वीडियो में इतना ही और आपको पता है एंटरटेनमेंट की ऐसी ही गॉसिप आपको कहां मिलेगी, कहीं नहीं, सिर्फ हमारे ENT लाइव पर। तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। और हाँ, कपिल शर्मा के शो को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपको ये शो कितना बेस्ट लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। टिल देन, बाय बाय।